नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। काले सोने के रूप में विख्यात अफीम की फसल पर इस बार भी डोडे आने से लहलहा रही है। चित्तौड़ जिले के करीब 145 गांवों में अफीम की खेती के चलते हुए अफीम की खेती के रखरखाव एक बच्चे की तरह करना पड़ता है। किसान किस तरह से अफीम की खेती का ध्यान रखते हैं, किस तरह से उन्हें परेशानी आती है, बारिश मौसम या उसका क्या असर पड़ता है, इसकी एक रिपोर्ट दे रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान के सहयोगी राजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए ये रिपोर्ट। ये काला सोना जिसको कहते हैं अफीम की फसल, जिसको किसान पूरी मेहनत करके बोते हैं और समय समय पर इनका मौसम का हर चीज़ का इनको ध्यान रखना होता है। और ये आप देख रहे हैं, इसमें अभी फसल डोडे आ चुके हैं। ये फूल सफ़ेद फूल हैं, ये अब रुक जाएंगे। अब इन डोडों पे चीरे लगेंगे, चीरे लगने के बाद में अफीम को ये सुबह वापस इकट्ठा करेंगे। इनके अंदर अभी जो इन्होंने बांध रखी है फसल को, ये डोडे झुके नहीं, हवा का इनका ऊपर असर नहीं हुआ है। और समय समय पर इनको बड़े लाड़ प्यार से ये इनका बोते हैं। प्लस इनके अंदर जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये इसको बिल्कुल भी रात दिन इसी के साथ रहते हैं। जब तक ये काम होएगा तब तक यहीं पर खाना पीना सोना उठना सब यहीं पर रहेगा इनका। और भारतीय किसान जो काला सोने की खेती करते हैं, अच्छी आवक होती है इससे। और आने वाले टाइम में एक महीने के अंदर ये फसल कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगी। धन्यवाद जी। मौसम का फसल के ऊपर क्या प्रभाव रहता है अफीम की फसल पर? मौसम जैसे कभी बादल हो जाते हैं और हल्की हवा चल जाती है तो उसमें पत्ते खराब हो जाते हैं, दूसरा अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है इसमें। इस पे अफीम के अंदर जो अभी आप चीरा लगाएंगे, इसको लोएंगे, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, उसको आप बताएं। प्रक्रिया ये है कि सुबह दोपहर को 11:30 बजे बाद चीर स्टार्ट करते हैं, इसके चीरा लगाते हैं, फिर पूरा दिन चीर देते हैं और सुबह 6:30 बजे के आसपास जग के दूध इकट्ठा करते हैं सरपला से। हाँ। और फिर वो इकट्ठा करके वापस दूसरे दिन वापस चीर लगानी पड़ती है। कितने दिन तक प्रक्रिया चलती है? लमसम 15 दिन। 15 दिन तक, 15 दिन के अंदर जो भी आपको करना वो इसमें कर लेते हैं कंप्लीट। हाँ, दूध इकट्ठा कर लेते हैं 15 दिन। इसके अलावा क्या क्या समस्याएं आती है आपको? इसके अलावा बहुत समस्या आती है, पूरे रात ध्यान रखना पड़ता है इसका। ओ, मतलब भी पूरी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ी चोरों का भी आतंक है तो इसमें ध्यान विशेष ध्यान देना पड़ता है। अच्छा। पूरी रात जगना पड़ता है, एक पहरेदारी पूरी रात रखवाली करता है। पहरेदारी के लिए कौन कौन रहता है यहाँ पे? पहरेदारी के लिए हम करीबन 2 जने रहते हैं। 2 जने मतलब एक गया एक वापिस आ गया, मतलब इसको अपन छोड़ नहीं सकते। एक बजे तक एक आदमी ध्यान रखता है, वापस 1 बजे बाद दूसरा ध्यान रखता है सवेरे तक, फिर वापस सवेरे होते ही घर से कोई दूसरा आ जाते हैं वो ध्यान रखते हैं। कितने दिन में इसकी ये लुवाई शुरू हो जाएगी? लमसम 3 या 4 दिन। 3-4 दिन में शुरू हो जाएगी। हाँ। ठीक है रतन जी, आपने इतनी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।